नाजरीन आदाब, आज मौसम बड़ा खुशनुमा सा है, चारों तरफ एक खुमार सा है और फिजाओं में एक खुशबू सी है। ये खुशबू है मेरे वतन की, मिट्टी की। आज का दिन हम सब के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये वही दिन है जब हमारा आईन अमल में आया था। 26 जनवरी यानी यौम ए जमहूरिया, ये वो दिन है जिस दिन से यानी 26 जनवरी 1950 से भारत का आईन अमल में आया। 1922 में महात्मा गांधी ने स्वराज के मायने समझाते हुए ये इशारा दिया कि भारत का आईन हिंदुस्तानी ही बनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को आजादी का अहद लिया गया, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इस अहद के बाद 26 जनवरी 1930 के दिन को आजादी का दिन करार दिया गया। 29 अगस्त 1947 को एक रेजुलेशन चलाया गया, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। 4 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सौंप दिया गया। 11 महीने और 18 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने में। कुछ तरमीम के बाद 24 जनवरी 1950 को असेंबली के 308 मेंबरान ने इस पर साइन किए और फिर 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरे मुल्क में अमल में आया। इस आईन के चलते इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के पहले सदर बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट बन गई और इस तरह इस आईन ने भारत को एक आजाद जमहूरियत के तौर पर दुनिया में शनासाई दी। इसलिए ये तारीख यौम ए जमहूरिया के नाम से मनाई जाती है। तो आज हम आपको लेके चलते हैं मेरे साथी मेहराज के पास, जो हमें मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो सालों से न केवल तिरंगा बनाते हैं बल्कि उसे मुफ्त में बांटते भी हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं हमारे साथी मेहराज के पास। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार खान साहब, जो झंडे को बनाते हैं, उसको रंग भरते हैं और उनके बनाए हुए झंडे जब बाजार में आते हैं तो हम अपने हाथों में उठाकर एक फख्रिया अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार ख्याल करते हैं। गफ्फार साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, शुक्रिया जी। मैं जानना चाहूंगा, आप झंडे का कारोबार कई सालों से करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप कई सालों से झंडा बना रहे हैं, आपका ज्यादातर वक्त इन झंडों के बीच गुजरता है। आप जब इन झंडों के बीच रहते हैं, जब इन्हें देखते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं और आपके अंदर क्या जज्बा आता है? देखिए, जब ये हम तिरंगा झंडा बनाते हैं, ये हमारी शान और बान का एक हिस्सा है। जब ये हम बनाते हैं तो हमारा जज्बा बढ़ जाता है, क्योंकि हम इसको हमेशा बनाते रहते हैं, पूरा साल बनाते हैं, जो स्टॉक करके रखते हैं, ताकि अभी भी मेरा बालों का रुआ खड़ा हो गया तिरंगे के नाम से, क्योंकि तिरंगा हम अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत से बनाते हैं और इनको मार्केट में सेल करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर। और हमारा और भी काम है, प्रॉफिट हम उनसे लेते हैं और देश का झंडा बनाते हैं, उसमें हम बहुत कम मार्जिन पे ये झंडा बनाते हैं। तो हमने इसको 40 साल पहले शुरू किया, अब अल्लाह के हुक्म से हमारे पूरी इंडिया में क्या, विदेश में भी हमारे झंडे जाते हैं और हम इसको बड़ी एहतियात के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ बनाते हैं। क्यों? ये हमारे मुल्क का झंडा है, ये हमारा सर बुलंद करता है, हमारा पूरे दुनिया में हमारा देश का नाम है जहाँ हमारा झंडा जाता है। तो झंडों को किस तरीके, क्या इनके जो होता है, कहते हैं प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है कि हाँ इसी साइज़ के रहेंगे या इतने ही साइज़ का ही झंडा बनाया जाएगा, कपड़ों का ख्याल रखा जाता है, रंगों का ख्याल रखा जाता है, तो ये तमाम चीज़ें करने में आपको क्या अलग करना पड़ता है? देखिए, इसमें एक अलग से ही इंतजाम करना पड़ता है, कलर का अलग ध्यान रखना पड़ता है और इसकी इज्जत का अलग ध्यान रखना पड़ता है। पर अब चलन हो गया है, बहुत बड़े बड़े झंडे भी हम बनाते हैं, जैसे 30 फुट बाई 45 फुट, 40 बाई 60 फुट, ये और 80 बाई 120 फुट, ये सब हम झंडे बनाते हैं। और इसका खास ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें सिलाई भी ठीक हो,
और इसकी मतलब कपड़ा भी अच्छा हो और हर बात का इसको ध्यान रख के बनाते हैं। कपड़े के अलावा कागज के भी झंडे बनते हैं, तो ये तमाम तरीके के झंडे आप कागज और कपड़े और इनके अलावा भी बनाते हैं या किस किस तरीके के झंडे आप बनाते हैं? जी देखिए, कागज के तो हमारे बच्चे हाथों में लेके स्कूल में इसको सलाम करते हैं जी। और दूसरी बात, दूसरे टेबल फ्लैग बनाते हैं हम, कागज के तो हो ही गए, टेबल फ्लैग बनाते हैं, गली में डालने का पटका बनाते हैं। यौम आज़ादी का मौका होता है, यौम जमहूरिया का मौका होता है, इस मौके पर आप जो है बच्चों को झंडा फ्री में देते हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? ये फ्री में देने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को जोश पैदा हो और हमारे सब लोगों को हिंदुस्तान के झंडे से मोहब्बत हो। हमारे जितने भी एक दो झंडे लेने लोग आते हैं, हम उनको फ्री में भी देते हैं और हम वैसे भी फ्री में बांटते हैं लोगों को, ताकि अपने अपने इलाके में या कहीं ये लगे कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा है। गफार साहब, इस खास मौके पर आप अपने वतन वालों के लिए कोई खास मैसेज या कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई पैगाम? जी, हम तो ये पैगाम देना चाहते हैं, हमारा इंडिया खुश रहे और सब में अमन अमान रहे, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हम सबको सलाम करते हैं, जय हिंद। देश के तिरंगे तेरी शान के लिए, देश के तिरंगे तेरी शान के लिए, देश के तिरंगे, देश के तिरंगे, देश के तिरंगे तेरी शान के लिए, जान मेरी जाएगी हिंदुस्तान के लिए, जान मेरी जाएगी हिंदुस्तान के लिए, देश के तिरंगे तेरी शान के लिए, देश के तिरंगे। सवाल जी, आज मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर डीडी उर्दू के माध्यम से हमारे तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करती हूँ और वतन के हवाले से चंद अशआर हाजिर करती हूँ। समाप्त कीजिएगा कि आज़ादी यूँ मनाए हर गम को भूल जाए, आज़ादी यूँ मनाए हर गम को भूल जाए, खुशियों के गीत गाएं, जन्नत इसे बनाए, शादाब ये चमन है ये तो मेरा वतन है, शादाब ये चमन है ये तो मेरा वतन है, उल्फत की ये जमी है हर्षे से ये हंसी है, उल्फत की ये जमी है हर्षे से ये हंसी है, जन्नत अगर कहीं है समझो सबा यही है, इखलास की किरण है ये तो मेरा वतन है, इखलास की किरण है ये तो मेरा वतन है। बहुत शुक्रिया। योम जम्हूरिया की नए ख्वाहिशात इस अहद के साथ पेश करता हूं कि गंगा जमुना की कसम, हिंद की शौकत की कसम, इस तिरंगे की शहीदों की शहादत की कसम, सुबह रंगी की कसम, शाम बहारा की कसम, बाग जलिया की कसम, खून शहीदा की कसम, हम सदाकत पे कभी आँच न आने देंगे, यानी भारत पे कभी आँच न आने देंगे। नाज़रीन कराम, असद रज़ा का आदाब और जवाब जमहूरिया की पुरखलूस मुबारकबाद। इस मौके पर मैं एक तराना, हुब्बुल वतनी का तराना पेश करना चाहता हूँ, जिसका उन्वान है जिंदाबाद ए वतन। अर्ज करता हूँ, जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, मेरे प्यारे चमन, ए दुलारे चमन, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, राम रहमान का तुझ पे होता मिलन, राम रहमान का तुझ पे होता मिलन, जिंदाबाद वतन, जिंदाबाद वतन, ये हिमाला तेरा चूमता है गगन, ये हिमाला तेरा चूमता है गगन, जिंदाबाद वतन,
जिंदाबाद वतन है अहिंसा मोहब्बत ही तेरा चलन है अहिंसा मोहब्बत ही तेरा चलन जिंदाबाद वतन जिंदाबाद वतन ये हिमाला तेरा चूमता है गगन जिंदाबाद अमन जिंदाबाद वतन मिल के रहते यहाँ शेख और बिरहमन मिल के रहते यहाँ शेख और बिरहमन जिंदाबाद वतन जिंदाबाद वतन है अजंता से जाहिर तेरा बाकपन जिंदाबाद वतन जिंदाबाद वतन। अभी तुम हौसला रखना जरा सा मुस्कुरा देना अगर फूलों के खिलने में कोई ताखीर हो जाए समर मेहनत का मिलने में जरा सी देर हो जाए सबा को भी तुम्हारे आशियां से बैर हो जाए अभी तुम हौसला रखना जरा सा मुस्कुरा देना। अगर ख्वाबों की ना कोई तुम्हें ताबीर मिल पाए मुकद्दर को बदलने की ना कुछ तदबीर मिल पाए खुशी की ना अगर तुमको कोई तहरीर मिल पाए अभी तुम हौसला रखना जरा सा मुस्कुरा देना। बड़े पेचीदा रास्ते हैं कदम फिर भी बढ़ाना तुम जहां के इम्तहानों में खुद ही को आजमाना तुम किसी भी जुल्म के आगे कभी ना सर झुकाना तुम अभी तुम हौसला रखना जरा सा मुस्कुरा देना। चमन में लौट आएंगे वो दिन गुजरे बहारों से जहां कुछ और भी बाकी हैं आगे इन सितारों से अंधेरे खुद ब खुद छट जाएंगे इन राह गुजारों से अभी तुम हौसला रखना जरा सा मुस्कुरा देना। तो नाज़रीन एक तरफ यौमे जमहूरिया की खुशी और दूसरी तरफ वसंत पंचमी का त्यौहार जब किसी त्यौहार की बात हो और खाने पीने का जिक्र ना हो तो फिर वो त्यौहार अधूरा ही है। तो आज इस खास मौके पर हम आपको लेकर चलते हैं अनीता जी के पास और चलते हैं कुछ खाने पीने देखते हैं वो हमें क्या कुछ लजीज बनाकर खिलाने वाली हैं। अनीता जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो वसंत पंचमी की ढेर सारी मुबारकबाद आपको। आपको भी वसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक जी। अगर हम त्योहार की बात करें और कुछ लजीज पकवान की बात ना हो तो उसके बिना तो त्योहार अधूरे ही हैं। तो आज आप हमें क्या अच्छा कुछ खास बना के खिलाने वाली हैं? हाँ, पारंपरिक व्यंजन में इस त्योहार पे चावल की खिचड़ी बनाई जाती है, पर मैं आज आपको स्पेशल मिलेट की खिचड़ी, कंगनी मिलेट की खिचड़ी खिलाऊंगी। अरे वाह, ये तो सुनने में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मिलेट्स की खिचड़ी आज आप बनाने वाली हैं। तो चलिए फिर आज आप हमें सिखाइए। बिल्कुल जी। ये हमने इसमें डबल बॉयलर मेथड से 8 घंटे भीगे हुए कंगनी को पकाना है। इसके लिए हमने इसमें पानी डाल के इसे रखा है। इसके अंदर बर्तन में ये कंगनी और 3 गुना पानी, 1 कप कंगनी था उसमें 3 गुना पानी डाल के हमने इसको रखा है। इसको लगभग 5 मिनट लगेंगे, इसको 10 मिनट पकने में, उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो इसको पकाने से पहले क्या हमें इसे कुछ सोक करके रखना होता है, कुछ भिगा कर भी रखना होता है? कम मिनिमम 8 आवर्स जी, कम से कम 8 घंटे इसको भिगाना ही भिगाना है, और सर्दियों में 10 से 12 घंटे तक भी भिगा सकते हैं इसको जी, ताकि ये जल्दी से कुछ उबल जाए। इसको 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें सीजनल वेजिटेबल्स डाल के आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वेजिटेबल्स जैसे आप इसमें डालेंगी तो वो हम कुछ भी डाल सकते हैं या कुछ खास तरह के सब्जियां जो आपने यहाँ पर रखी हैं, जैसे गोभी है, गाजर है, तो किस तरीके से हम सब्जियों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? सब तरह की कर सकते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का सीजन है तो हमने गाजर, मटर, बीन्स, ब्रोकली और फूल गोभी लिया है। गर्मियों के हिसाब से अपना इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, थोड़ी बहुत दाल भी डाल सकते हैं। खिचड़ी है तो इसमें मूंग की दाल भी डलेगी, 1 कप इसमें 1/4 कप मूंग की दाल डलेगी जी, और इस मूंग की दाल को भी हम अलग से कुक करेंगे और फिर सबको
एक कढ़ाई में सोते बॉयल स्टीम सब्जियों के साथ तड़का लगा देंगे। जी, तो पहले सारी सब्जियों को हमें अलग से कुछ स्टीम करके पहले रखना पड़ेगा। हाँ। इसके लिए। जी, अब हमारी कंगनी बॉयल हो चुकी है, अब उसमें कैसे सब्जियों के साथ उसको फाइनल लुक देना है हम वो तैयार करते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला, तेल गर्म होने के बाद हमने इसमें थोड़ा जीरा डाला, साथ में ये सीजन की कटी हुई मेथी। गर्मियों में ये मेथी ना मिले तो आप कसूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेथी ना मिले तो हम इसमें धनिया वगैरह भी कुछ डाल सकते हैं। हाँ, धनिया भी डाल सकते हैं, पर गार्निशिंग के लिए, पर धनिया सबसे अच्छा टाइम नहीं डालेंगे। आपने हाफ कुक मूंग की दाल जैसे बोला अनिता जी, तो हाफ कुक का मतलब हम इसे बॉईल करके रख लें पहले से? हाँ, मतलब 80-90% तक हो, 60% तक, बाकी इसके साथ जब ये मिक्स होगी तो उसी में ही अच्छा फ्लेवर देगी, नहीं तो बिल्कुल गल जाएगी, स्वाद नहीं आएगा उसका। अब ये जो हमने स्टीम किए हुए कुक करके रखे थे मिलेट्स कंगनी के, उसको डाल देंगे। क्या कुछ खास तरीके के मसाले इसमें डालते हैं, या जो आमूमन जो घरों में हम मसाले यूज करते हैं वो इसमें हम डाल सकते हैं? इसमें सब नॉर्मल मसाले ही डालते हैं, क्योंकि कंगनी का अपना इतना अच्छा स्वाद आता है, आप खाएंगे तो देखने में जितनी सुंदर है खाने में उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है। क्योंकि अब हम इसमें सारे गर्म मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची सब डाल देंगे, क्योंकि ये एक अलग तरीके की खिचड़ी आज आप बनाने जा रही हैं, तो हम लोग बड़े अब बहुत एक्साइटेड है कि ये खिचड़ी कैसे बनेगी, और साथ मतलब सेहत के साथ इसमें जायका भी है, ये बहुत अच्छी बात है। भाप आने तक पकाएंगे, फिर उसे धीरे आग पे रख देंगे, 10 मिनट में ये खिचड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। तो जी, कंगनी की खिचड़ी आपने बनाई है, तो क्या कुछ खास फायदे भी होते हैं कंगनी खाने के, जैसे हम चावल की आमामन जो खिचड़ी बनाते हैं? जी हाँ, नहीं, ये श्री धान्य मिलेट्स जो डॉक्टर खादरवली जी ने इंट्रोड्यूस किए हैं पिछले 4 साल से, उन्हें मिलेट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है गवर्नमेंट सरकार ने, उनमें से ये एक मिलेट है जी। तो इसको खाने से सारी बीमारियां रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। 5 से 6 महीने तक अगर आप ये 5 अनाज खाएंगे, उसमें एक कंगनी है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, सारी डिजीजेज रिवर्स हो जाती है और हम पहले जैसे हो जाते हैं जी। तो हम डिजीज फ्री लाइफ जी सकते हैं ये सब खाने से। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, और कुछ मैंने भी सुना है कि जो मिलेट्स हैं इसमें फाइबर जो कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी। तो अमूमन जो लोग होते हैं जिनको कुछ कब्जियत रहती है या कुछ इस तरीके की कुछ बीमारियां रहती है, जिनको शुगर रहती है, वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बिल्कुल जी। और बड़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है जी, जो आप बना रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अब 10 मिनट के लगभग हो चुका है और हमारी ये कंगनी की खिचड़ी भी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, और आप टेस्ट करके बताइए कैसी लगी आपको। जी बिल्कुल, इसे ऊपर से धनिया पत्ती से डेकोरेट करके जी, इसमें से तो खुशबू ही इतनी लजीज आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बनी होगी आपने, और सिर्फ 10 मिनट में आपने ये बना दी, ये बड़ी अच्छी बात है। खिचड़ी और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इसके अंदर डाले। हाँ, बिल्कुल जी, ये आप टेस्ट कीजिए जी। तो आपने बड़ी अच्छी आज ही हमें खिचड़ी जो बनानी सिखाई है वसंत पंचमी के मौके पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं इसे सबसे पहले मैं इसको टेस्ट करती हूँ कि ये कैसी बनी है। आप जब तक टेस्ट कीजिए तब तक मैं अपने दर्शकों को बताती हूँ, इसे हमेशा स्टील के बर्तन में ही पकाना है, इसे विसल दिला के कुकर में कभी नहीं बनाना है। डबल बॉयलर मेथड से जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही बनाइए, या इसको मिट्टी के बर्तन में बनाइए। मिट्टी के बर्तन में इसी तरीके से बनेगी जैसे आपने इसमें बनाया, गैस पे मीडियम आग पे रख के उसको पकाइए, और तो ये और भी स्वादिष्ट लगेगी ये। और ये बहुत ही लजीज बनी है, आप ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि जो चीज खाने में इतनी लजीज है उतनी ही ज्यादा फायदेमंद वो हमारी सेहत के लिए भी है। तो ये जो कंगनी की खिचड़ी है आज आपने हमें बनानी सिखाई वसंत पंचमी के मौके पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलकर सनम से अपने हंगामे दिल कुशाई, हंसकर कहा ये हमने ऐ जान बसंत आई, एक पंखुड़ी उठाकर नाजुक सी उंगलियों में रंगत फिर उसकी अपनी पोशाक से मिलाई। आती नजर है दश्तो जबल जर्द हर तरफ है अब किसाल ऐसी ही ऐ दोस्ता बसंत, प्यारे बसंत जा हुआ आया
सिसकियां तन मुश्के जाफरान लाइया पपीहा गावता है मीठे बैता मधुर रस दे इधर रस का प्याला। आ गया फिर मौसमों का ताजदार दीदनी है कुहो सहरा की बहार हर शजर पहने है पैराहन नया सब्ज और शादाब जंगल हो गया आतिशे गुल से चमन दहका हुआ बू से फूलों का है बन महका हुआ देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार है कितनी खुशगवार हवा को सार की हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। तो नाज़रीन आपको आज का हमारा ये शुमारा कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ आपको ये बेहद पसंद आया होगा। तो आप सबको फिर से एक बार यौम-ए-जमहूरिया और बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफ़िज़।